दोस्तों, जब हम कभी लैपटॉप लेते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, कौन सी कंपनी का लैपटॉप लेना चाहिए, ये कौन कौन से फीचर्स उसमें होने चाहिए। और जल्दीबाजी के चक्कर में हम एक बेकार कंपनी का लैपटॉप ले लेते हैं या फिर बेकार फीचर्स का लैपटॉप ले लेते हैं। हमें यही नहीं पता होता कि हमें कौन से फीचर्स वाला लैपटॉप लेना चाहिए या किससे किस रेंज का फीचर लैपटॉप लेना चाहिए। अगर आपको एक बहुत सीधा साधा ब्रांड या आपको एक बहुत सीधे साधे फीचर्स चाहिए, तब भी आप कभी कभार बहुत गलत लैपटॉप ले लीजिए और बहुत गलत चॉइस ले लेते हैं या बहुत गलत चॉइस कर लेते हैं, जिससे आपको ही आगे इन फ्यूचर परेशानी होती है। लैपटॉप एक ऐसा चीज़ है या एक ऐसा गैजेट है जो हम एक ही बार लेते हैं लाइफ में। मतलब मिडिल क्लास फैमिली वाले होंगे तो एक ही बार लोगे, और अगर थोड़ा हाई क्लास होगे तो दो तीन बार ले सकते हो। काफ़ी महंगे लैपटॉप्स आते हैं तो लोग काफ़ी सस्ते और काफ़ी अच्छे लैपटॉप लेना पसंद करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही लैपटॉप के बारे में बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रचित पवार, आप देख रहे हैं मेरा अपने YouTube चैनल। तो आज गाइज मैं आपके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट लाया हूँ, जो एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जो आप लोगों को भी पसंद आएगा, वो है टॉप 5 ब्रांडेड लैपटॉप्स इन अंडर 50K, मतलब 50,000 की रेंज में 5 बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे लैपटॉप्स जो आपको पसंद आएंगे। काफ़ी अच्छी कंपनी के भी हैं और आपको पसंद ज़रूर आएंगे। तो आज मैं सबसे पहले आपको ये बताया जाता हूँ कि अगर आपको एक बेसिक लैपटॉप लेना है, ठीक ठाक लैपटॉप लेना है चलाने के लिए, या आपके मामा चाचा मौसा फूफा दादा कोई भी लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो आप उनको ये लैपटॉप सजेस्ट कर सकते हैं। तो इनकी फ़ीचर्स मैं आपको बताया था कि इनमें एटलीस्ट इतने फ़ीचर्स तो होने ही चाहिए। आप कभी लैपटॉप ले रहे हैं, आपको मेरे वीडियो को हटा के कोई और लैपटॉप लेना है, तो आप इन फीचर्स को तो देख ही लीजिएगा। सबसे पहले फीचर्स आते हैं हमारे प्रोसेसर i3 या i5 विद 8th जनरेशन तो होना ही चाहिए मिनिमम, जिसे हम बोलते हैं। आप 10th जनरेशन आपको मिल सकता है, पर आप i3 या i5 को चूज़ करके आप 8th जनरेशन तो लीजिए। राइजन का अगर आप लोगे तो 5th राइजन का 5 सीरीज जरूर ले लीजिए, वो काफ़ी अच्छा होता है। इसके साथ साथ आपके अगर हार्ड डिस्क ड्राइव अगर आपने लैपटॉप में ली है तो 1 TB की तो होनी ही चाहिए, और अगर आपने SSD ली है, थोड़ी सी फास्ट होती है हार्ड डिस्क ड्राइव से, तो वो आप 512 GB के ले सकते हो। उसके साथ साथ वेबकैम आपके लैपटॉप में होना ही चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट विंडो 10 होनी ही चाहिए, क्योंकि आजकल बिल्कुल नई विंडो 10 चल रही है, बिल्कुल जो नई लेटेस्ट चल रही है। उसके साथ साथ 14 और 15 इंच 0.6 इंच की आपकी स्क्रीन होनी ही चाहिए लैपटॉप में, विद फुल HD डिस्प्ले, जो होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप लैपटॉप ले रहे हो तो वो पूरा कबाड़ का कबाड़ है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ हमारे 1 to 5 या 5 to 1 में। सबसे पहला और सबसे पांचवा जो मैंने अपना लैपटॉप आप लोगों के लिए चूज़ किया है, उसका नाम है डेल वॉस्त्रो 3490 इसका मॉडल है। काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, प्रीमियम लैपटॉप है। डिस्प्ले इसकी 14 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले है। रैम इसकी है 4 GB की, काफ़ी अच्छी रैम दे रहा है ये आपको, और 1 TB की आपको हार्ड डिस्क ड्राइव दे रहा है, जो काफ़ी अच्छी है। इसके साथ आपको CPU का i3 10th जनरेशन दे रहा है, जो बेस्ट, मतलब इस प्राइस रेंज में जो बेस्ट है। i3 प्रोसेसर दे रहा है पर 10th जनरेशन दे रहा है, 10th जनरेशन मतलब काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस होगा, बेस्ट है इस प्राइस रेंज में, बेस्ट है। और बैटरी बैकअप है अप टू 6 आवर्स, जो काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप है। प्रीमियम लैपटॉप है, विंडो 10 के साथ आता है, और इसका प्राइस है 30,490 रुपीज़। अगर आप इसको प्राइस ऑफर्स में देखोगे तो फिर आपको ये और सस्ता पड़ सकता है, या आप इसको DOS वर्जन लोगे तो आपको और सस्ता पड़ सकता है, क्योंकि आप फिर बाद में इसे विंडो में कन्वर्ट कर दीजिएगा। सेकेंड जो आपके पास लैपटॉप आता है, वो आपका लैपटॉप आता है एसर का एस्पायर 5। ये एसर का एस्पायर 5 लैपटॉप भी विंडो 10 के साथ आता है। डिस्प्ले है इसकी 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है। रैम इसको आपको 4 GB दे देता है, 1 TB का आपको हार्ड डिस्क ड्राइव दे देता है। CPU के जो है इसमें, वो है इंटेल i3 8th जनरेशन, जो काफ़ी ठीक ठाक CPU है। इसके साथ साथ इसमें बैटरी बैकअप जो है वो काफ़ी, मतलब मैंने इस लैपटॉप के लिए बैटरी बैकअप के लिए बहुत इंप्रेसिव रहा है। तो मैं खुद इसको पर्सनली, आपको अगर आपको ज़्यादा लैपटॉप चलाना है या आपको काफ़ी टाइम तक लैपटॉप चलाना है, तो आपको इसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका जो बैटरी बैकअप है अप टू 8 आवर्स है। इस प्राइस रेंज में अगर आपको बैटरी बैकअप 8 आवर्स मिल रहा है, तो शायद ये वन ऑफ द बेस्ट बैटरी बैकअप है, वो भी लैपटॉप से। इसके साथ जो इसका प्राइस रेंज है, वो है 33,990 रुपीज़। जाइए और जल्दी से शॉपिंग कीजिए। अगर आपको विंडो 10 नहीं चाहिए तो आप DOS वर्जन ले सकते हैं, और बाद में विद द हेल्प ऑफ बूटेबल पेन ड्राइव इसमें डाल सकते हैं अपनी विंडो 10 पायरेटेड। उसके साथ साथ आपको जो थर्ड नंबर का जो लैपटॉप आता है, और यहाँ से भी थर्ड और आगे से भी थर्ड नंबर का जो लैपटॉप आता है, वो आता है ASUS X50 4 0 UA
X540UA, आसूस का X540UA आपका जो लैपटॉप है वो काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। डिस्प्ले इसकी 15.6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले है। रैम इसको आपको मिल जाती है 4GB और हार्ड डिस्क ड्राइव आपको मिल जाती है 1TB। इसके साथ साथ आपको जो इसका CPU मिलता है वो मिलता है i5 8th generation। i5 मिल रहा है 8th generation, वो भी इस प्राइस रेंज में, तो वो शायद बहुत अच्छा और प्रीमियम लैपटॉप होगा। i5 8th generation में इसलिए अच्छा कह रहा हूँ क्योंकि परफॉर्मेंस इसकी बढ़ जाती है। i5 आपको 7th generation 6th generation मिलता है, पर इस प्राइस रेंज में आपको 8th generation मिल रहा है, तो वो वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप माना गया है। इसके साथ साथ आपको जो CPU की बैटरी मिलती है या आपको लैपटॉप की जो बैटरी मिलती है वो मिलती है 6 आवर्स, अप टू 6 आवर्स आप चला सकते हो, और विंडो 10 के साथ मिलता है। अगर आपको डॉस वर्जन लेना है तो आपको थोड़ा और 2-4 हज़ार सस्ता पड़ जाएगा। प्राइस रेंज आपको पड़ जाता है 33,990 इसका जो बेस्ट वो है फीचर वो यही है कि आपको i5 8th generation मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छा लैपटॉप और प्रीमियम लैपटॉप माना गया है। इसके साथ साथ आपको सेकंड नंबर का, या पीछे से देखा जाए तो फोर्थ नंबर का, और आगे से जगह था सेकंड नंबर का। सेकंड और फर्स्ट में सब लोग बहुत कंफ्यूज आते हैं, तो सेकंड नंबर का जो लैपटॉप है वो हमारा है आसूस टफ गेम लैपटॉप, आसूस टफ गेम TUF टफ गेमिंग लैपटॉप, ठीक है। इसके मैं आपको मैं बताया था इसकी फीचर्स क्या है जल्दी से। डिस्प्ले है इसकी 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है। रैम आपको 8GB मिल जाती है। स्टोरेज आपको 512 SSD मिल जाती है। अभी फिर से आपको मैं बताया था कि SSD और HDD में यही डिफरेंस है कि SSD थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट है और HDD थोड़ी सी कम फास्ट है या स्लो है थोड़ी SSD के कंपैरिजन में। पर इसके साथ आप बोलोगे कि स्टोरेज कम मिल रही है तो क्यों रचित आपने इस लैपटॉप क्यों डाला, क्योंकि इसके साथ प्लस एक एक्स्ट्रा स्लॉट मिलता है जहां आप 1TB 2TB 4TB की हार्ड डिस्क ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव को। इसके साथ आपको, मेरे को इसका जो काफ़ी अच्छा फीचर लगा वो यही लगा कि इसमें AMD का राइजन 5 है 3550 Hz की जो CPU मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है। और GPU आपको मैं बता दूं कि Redden का है RX 5560X विद 4GB, मतलब आपको जो ग्राफिक कार्ड मिल रहा है वो 4GB का मिल रहा है, वो भी Redden का, जो काफ़ी अच्छा लैपटॉप माना गया है। इसके प्रोसेसर काफ़ी तगड़ा है। इसके साथ साथ आपको इसको ग्राफिक कार्ड मिल रहा है 4GB का, तो काफ़ी अच्छा है। इसके साथ आपको विंडो 10 मिल जाती है और बैटरी बैकअप 5 आवर्स का मिल जाता है। 48,990 का इसका प्राइस है और काफ़ी अच्छा और प्रीमियम प्राइस है। इसका मुझे सबसे अच्छा लगा कि इसमें राइजन 5 दिया गया है, जो काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है, जो इस लैपटॉप को काफ़ी अच्छा बनाया था। इसके साथ साथ जो वन ऑफ द बेस्ट या पहले नंबर का लैपटॉप है वो मैं आपको बताया था, आसूस वीवो बुक गेमिंग लैपटॉप है। काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। GPU आपको मिल जाता है NVIDIA का GE41654, वन ऑफ द बेस्ट GPU जैसे हम बोलते हैं या ग्राफिक कार्ड जैसे हम बोलते हैं वो यही है NVIDIA का। काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है। इसके साथ साथ आपको 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है। रैम मिल जाती है आपको 8GB की। स्टोरेज मिल जाती है आपको 512GB की SSD प्लस एक्स्ट्रा स्लॉट, जो आप 1TB 2TB 4TB की जो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव है उसको आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं अपने डाटा को, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है। इसके साथ साथ आपको इंटेल का i5 8th generation प्रोसेसर मिल जाता है, जो आपको भी पता ही होगा कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। i5 प्रोसेसर किसी भी राइजन 5 को आराम से टक्कर दे सकता है। i5 बहुत अच्छा प्रोसेसर है मैं बताया था, तो i5 आपको 8th generation मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा है। इसके साथ साथ आपको इसमें एडिशनल फीचर मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो वन ऑफ द बेस्ट फीचर आपको मिलता है और इस प्राइस रेंज में। इसके साथ साथ आपको विंडो 10 मिल जाती है और ये आपको मिल जाता है 50,990 में। तो गाइज, मैंने जो ये सारे लैपटॉप्स आपको बताए हैं ये सब परफॉर्मेंस बेस्ड लैपटॉप है और काफ़ी अच्छे लैपटॉप है। इसमें आप अच्छी से अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोडिंग कर सकते हो, अगर आप कोडिंग कर सकते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लैपटॉप आपके लिए बनाए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।